एक गुरु का एक शिष्य आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्यों की तुलना में कुछ अजीब सा व्यवहार करता। वो चिड़चिड़ा सा रहता, बात बात पे आश्रम के दूसरे बच्चों पे क्रोधित हो जाता। वो अक्सर सुबह दूसरे छात्रों की तुलना में देर से सोकर उठता, ना तो ठीक से ध्यान आदि करता और ना ही आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता। जब आश्रम के सारे बच्चे बैठ कर आपस में मस्ती मजाक किया करते, तब वह कहीं दूर बैठ कर कुछ सोचता रहता और अपने ही विचारों में खोया रहता। वह अक्सर आश्रम के कामों से बचने की कोशिश करता, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। वह हमेशा अपने ही विचारों में खोया रहता, जिसकी वजह से आश्रम के दूसरे छात्र उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही उससे दूर रहने की कोशिश करते। गुरु उस शिष्य की मनोदशा को पहले ही भांप चुके थे। उन्हें मालूम था कि असल समस्या क्या है, इसलिए वो पिछले बहुत समय से उस शिष्य पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे। वो जानते तो सब कुछ थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि अभी इससे कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अभी मेरी बातों को समझने की मनस्थिति में नहीं है। इसलिए वो इंतजार कर रहे थे उस दिन का, जिस दिन शिष्य खुद अपनी समस्या को समझे और उनके पास इसका समाधान पूछने आए। और बहुत ही जल्द वो दिन भी आ गया जब शिष्य को यह महसूस होने लगा कि उसके जीवन से रस खत्म होता जा रहा है। उसके जीवन में अब खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। वो किसी गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ केवल अंधकार और अशांति है। और वो ये समझ चुका था कि ये समस्या उसके अंदर है, उसी के विचारों में है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा था कि समस्या की असल जड़ क्या है। उसे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव करने होंगे। उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं सूझा। फिर अंत में उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वह गुरु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे मेरे जीवन में कोई रस ही नहीं आता, जीवन का कोई सारी नज़र नहीं आता, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मैं जब भी खुद को देखता हूँ तो एक लक्ष्यहीन और उदास मनुष्य के रूप में खुद को पाता हूँ। गुरुवर, कृपया आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, कोई मार्ग दिखाएं। गुरु तो इस दिन का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटे, तुमने अपनी समस्या को जाना और ये स्वीकारा कि समस्या तुम्हारे ही अंदर है। इसी के साथ तुमने समस्या की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया। इसके बाद गुरु ने गंभीर होकर कहा, बेटे, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें आज से ही छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये आदतें किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। शिष्य ने कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ना है। गुरु ने कहा, पहली आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोचना अपने लिए नई समस्याएं खड़ी करने की एक कला है। ज़्यादा सोचने से तुम खुद को तो बर्बाद करते ही हो, साथ ही तुम उस हाथ आए मौके को भी बर्बाद कर देते हो जिसका सही उपयोग करके तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते थे। इसलिए ज़्यादा सोचना केवल तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी खराब कर देता है। ज़्यादा सोचने की वजह से हम आसपास की चीज़ों और परिस्थितियों को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो असलियत में है, बल्कि हम उन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर खुद के सामने पेश करते रहते हैं। ज़्यादा सोचना मन में तनाव पैदा करता है, यह चीज़ों और स्थितियों को और भी ज़्यादा बदतर बना देता है, समस्याओं को हमारे सामने और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। कई बार सबसे अच्छा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम कुछ भी ना करें, बस खुद को शांत रखें। ज़्यादा सोचना छोड़ो, क्योंकि तुम अपने आसपास की हर चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। कभी भी सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली, हमेशा ही कुछ चीज़ें या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें नज़रअंदाज करना है, क्योंकि तुम सबको नहीं बदल सकते और ना ही सबको खुश कर सकते। अगर तुम ऐसा करने का प्रयास करते हो तो अंत में तुम्हें दुखी मिलने वाला है। और ज़्यादा सोचना खुद के लिए दुख पैदा करने का सबसे बड़ा तरीका है, इसलिए चीज़ों को हल्के में लो और ज़्यादा सोचना बंद करो। गुरु ने कहा, दूसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है बदलाव का डर। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बर्बाद कर देता है। हमें हमेशा जीवन में आने वाले नए बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि खुद को बदलना या किसी नए बदलाव को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत से नए बदलाव और परिस्थितियों का सामना करने के बाद तुम्हें यह महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बदलाव एक ऐसी चीज़ है जिसे थोड़े से प्रयास और नई सीखों के साथ आसानी से स्वीकारा जा सकता है। और ज़्यादातर बदलाव अंततः हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। गुरु ने कहा, तीसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है बीते हुए कल में जीना। यानी तुम्हें अपने अतीत में जीने की आदत छोड़नी होगी। अतीत के बारे में सोचना और अतीत में जीना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभार अतीत के बारे में सोचना अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने बीते हुए कल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब हम हर समय अपने बीते हुए दिनों की अच्छी बुरी यादों में खोए रहते हैं तो यह अतीत के बारे में सोचना नहीं बल्कि अतीत में ही जीना कहलाता है। कभी किसी ने हमारा अपमान कर दिया था या हमारे साथ कोई बुरी घटना हो गई थी और हम आज तक उसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, उससे बाहर नहीं आ पाए, ये सही नहीं है। या फिर कभी हमारे साथ बहुत अच्छी घटना हुई थी
या फिर हम किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ थे, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम अब भी उन पुरानी यादों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। हमें समय के साथ इन सब यादों से बाहर आ जाना चाहिए। हालांकि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हमारे लिए अच्छा है। कभी कभी किसी इंसान के लिए अपने अतीत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अतीत में बहुत अच्छी यादें होती हैं। वो अपने अतीत की यादों के साथ बहुत खुश और आरामदायक महसूस करता है। लेकिन अतीत में जीना एक समस्या इसलिए है क्योंकि यह हमारा वर्तमान हमसे चुरा लेता है। आज में जीने की खुशी हमसे छीन लेता है और फिर यह हमारे वर्तमान को भी अपने में समाहित करके उसे भी हमारा अतीत बना देता है। और फिर हम जिंदगी को होशपूर्वक ना जीकर बस इसे सपनों में ही जीकर चले जाते हैं। इसलिए बीते हुए कल में जीना बंद करो, वरना यह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देगा। गुरु ने कहा, चौथी आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है दूसरों से खुद की तुलना करना या खुद को दूसरों से कम समझना। दूसरे इंसान से तुलना करके खुद को कम समझना छोड़ दो, क्योंकि ये तुलना तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगी। जब हम किसी और से अपनी तुलना करके खुद को छोटा मानना शुरू कर देते हैं, तो हम खुद अपने ही हाथों अपने आत्मविश्वास का गला घोट देते हैं, अपने आत्मसम्मान को कम कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर खुद के प्रति हीन भावना घर कर जाती है। फिर यही आत्मविश्वास की कमी हमारे बाहरी कामों पर भी दिखने लगती है, जो हमें असफलता की तरफ ढकेलती है। और फिर जीवन की ये असफलताएं हमारे मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनती हैं। फिर हम असफलता और तनाव के इसी दुष्चक्र में फंसकर रह जाते हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि हर इंसान के जीवन की परिस्थिति और उसका अनुभव अलग अलग होता है। इसलिए इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है। तुम भी अपने आप में सबसे अलग हो। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए तुम्हें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि तुम इस पूरी दुनिया में अपने तरह के अकेले इंसान हो, सबसे अलग हो। तुम इसलिए खुद के जैसा बनने की कोशिश करो, किसी और के जैसा नहीं। खुद पर हमेशा भरोसा रखो और अपने आप पर गर्व करो। गुरु ने कहा, पांचवा, हर इंसान को खुश करने का प्रयास करना बंद करो। अगर तुम हर इंसान को खुश करने का प्रयास करते रहोगे, तो एक इंसान जो हमेशा दुखी रहेगा वो तुम खुद हो। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते। इसलिए हमेशा खुद की सुनो और अपने दिन को खूबसूरती से जियो। बनावटी इंसान मत बनो, क्योंकि बनावटी और दिखावा करने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है। जो व्यवहार तुम्हारे अंदर से आता है उसे आने दो, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है किसी को खुश करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को अपशब्द कहो या उसका अपमान करो। बस तुम्हें बनावटी इंसान नहीं बनना और हर इंसान को खुश करने का प्रयास नहीं करना। तुम जो हो वही रहो, क्योंकि याद रहे तुम अपने आप में सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ हो। शिष्य को अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने गुरु को वचन दिया कि वो आज से इन पांचों आदतों को छोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। उसने इन बातों के लिए गुरु का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।